तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कैसे आप लोग अपना एक इंडियन फ्लैग बना सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको लुक्स दिखाता हूँ। ठीक है, मेजर तो हमारी ना लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है इसमें। ठीक है गाइस, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है ना, आप लोग मुझे टॉप पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार ये सब तो हमारा कोड है, ये हमारा CSS का कोड है। ठीक है, हाइट वेट आप अपने हिसाब से सेटल कर लो, ये हमारा HTML का कोड है। लेकिन अब पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपना फ्लैग। गाइज ये आप देख सकते हैं हमारा इंडियन फ्लैग है ना। तो मैं चाहता हूँ सब लोग सेम टू सेम एक ऐसा फ्लैग बनाएंगे, है ना, क्योंकि यार अब इसमें क्या ही वेरिएशंस करोगे आप। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिलके बनाएंगे। ठीक है, और हम इसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो गाइज चलो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लो, दो फाइल्स क्रिएट कर लो, फ्लैग डॉट HTML एंड फ्लैग डॉट CSS। मैं इस कोड को जल्दी से उतरे में हटा देता हूँ। तो गाइस हमने सारा कोड क्लियर अप कर लिया। ठीक है, अब मैं यहां पर देखता हूँ क्या हमारा फ्लैग हम देख पाएंगे। अरे देखो, हमने इसे रिफ्रेश किया, अभी टोटली हो गया ब्लैंक। अब हम फ्लैग को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन डाल के अपनी बॉयलर प्लेट को इम्पोर्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद यार आप लोगों को एक CSS फाइल तो अब तक लिंक करनी आ ही जानी चाहिए। अगर हो सकता है अगर आप लोग भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आप लोग फिर से देख सकते हो। लिंक रेल पे आप स्टाइल शीट डालो। ठीक है, और उसके बाद href पे आप डाल दो फ्लैग डॉट CSS, जो कि आपका मतलब फाइल की इस डायरेक्टरी में आपकी फाइल है उसकी लोकेशन आप इसमें पूरा डाल दो, है ना, तो ताकि जब हम इस पे कंट्रोल प्लस क्लिक करें तो ये हमें उस फाइल तक ले जाए। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को स्टाइलिंग से, बॉडी की अगर आप बैकग्राउंड कलर, लेट्स से अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर करना है, मैं यहाँ पर ले आता हूँ बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में मैं क्या करूँगा, मैं एक्वा व्हाइट कर सकते हो, बिस्क कलर दे देते हैं, या ब्लैंच डालमंड, आई डोंट नो ये कौन सा कलर होता है, बट इट्स ओके। यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है ही नहीं ये सीखना कि ये कौन सा कलर है या कौन सा कलर नहीं। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं और फ्लैग डॉट HTML। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है हमें, सॉरी मैं स्क्रीन के आगे आ गया हूँ, पर मैं यहाँ पर कहूंगा सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को तीन डिव्स क्रिएट करने हैं। ओ तीन नहीं, सॉरी चार। ठीक है, एक होगा हमारा मेजर, एक होगा हम बाकी तीन होंगे हमारे सब डिव्स। ठीक है, मेजर जो होगा उसको हम एक बॉक्स बनाएंगे। मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ विद द हाइट ऑफ 300 पिक्सल्स एंड विद 600 पिक्सल्स। ठीक है, उसके अंदर हम थ्री सब डिव्स रखेंगे जो कि होगा हमारा ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। ठीक है, आप लोगों को फ्लैग के बारे में तो पता होगा, फ्लैग कैसा दिखता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यार आप भारतीय हो। ठीक है, इतना तो अभी तक आप लोगों को पता लग ही जाना चाहिए था। ठीक है, मैं वापस से थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, दोबारा से मैं छोटा होकर वापस आ गया हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया तीन डिव्स क्रिएट करेंगे, जल्दी से इन्हें क्रिएट कर लो। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा डिव डॉट बॉक्स, फिर यहाँ पर मैं इसके अंदर लिखूंगा डिव डॉट ऑरेंज। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्लासेस भी क्रिएट कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ये आप एक शॉर्टकट है, अभी तक आप लोगों को सीख लेना चाहिए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दो डिव है आप लोग इसी शॉर्टकट से करो, कैसे, यहाँ पर लिखो डिव डॉट वाइट, क्या करेंगे डिव डॉट वाइट, और आपका एक डिव बन जाएगा विद द क्लास ऑफ वाइट। ठीक है, वैसे ही एक और बना लो डिव डॉट ग्रीन। ठीक है, ये बन गए हमारे तीन सब डिव्स। अब इनको मैं करूंगा कंट्रोल एस। ठीक है, अब आप लोगों को एक अशोका चक्र की एक इमेज कॉपी कर लेनी है। ठीक है, और उसका बैकग्राउंड हटा लो, आप चाहो तो इसे पावर पॉइंट में भी हटा सकते हो, मैंने खुद अपना जो इसका बैकग्राउंड है वो मैंने पावर पॉइंट से ही हटाया। ठीक है, पावर पॉइंट में अगर आप लोग सीखना चाहते हो कि कैसे पावर पॉइंट में आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटाना सीखना चाहते हो, मतलब कैसे बैकग्राउंड हटाएं, तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए कमेंट कर दो। ठीक है, मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कितने लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं इमेज को इंपोर्ट कर लूंगा अपनी, ये क्या लिख दिया IMG, फिर आप देख सकते हो SRC, यहाँ पे लिख दो आप अशोक का चक्रा, जो भी आपका फाइल नेम से, मतलब अगर आप फोल्डर सेम रख रहे हो ना,
मतलब आपने एक ही फोल्डर में आपकी तीन फाइल्स हैं, जैसे फ्लैग डॉट एच टी एम एल, फ्लैग डॉट सी एस एस, और सेम अपने मतलब इमेज भी जो है, तो आपका ये डायरेक्टली मतलब आपको इतना बड़ा फाइल लोकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत छोटा सा मतलब कॉपी पाथ जो पाथ है उसका आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं डालना, आपको बस इमेज मतलब नेम डालना है फाइल का और आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक्स हैं, मैंने डिस्कस कर लिया, फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अब बारी है हमारी सारी सी एस एस की। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूंगा ना, और अगर मैं आपको अभी भी दिखाऊं, तो अभी तक हमने बनाया कुछ भी नहीं है, हमने बेसिकली इसका बैकग्राउंड तैयार कर लिया है, अब बस हमें रंग भरने की ज़रूरत है। एक्चुअल में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, पर हमें सिर्फ रंग भरने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो अब सी एस एस ओपन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर सी एस एस ओपन करूँ हमारा, ये तो ब्लैंच डालमेंट है ना, तो ये क्यों नहीं यहाँ पर शो हो रहा, मैं इसको रिफ्रेश करूँ। अरे ये देखो थोड़ा स्लो हो गया, रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ जाती है। देख रहे हो, ये हमारा अशोका चक्र भी आ चुका है और हमारा ये, ठीक है, इतना पार्ट अभी हमने कर लिया है, अभी और भी जो चीज़ें हमारी वो एग्जिस्ट कर रही हैं, पर अभी हमें उनको रंग भरने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको कहा। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिखूंगा डॉट बॉक्स। अब बॉक्स को आप लोगों को हाइट दे दो, हाइट जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाइट आपको देने की ज़रूरत है 300 पिक्सल। ठीक है, विड्थ मैं दूंगा इसकी 600। ठीक है, विड्थ इज 600 पिक्सल्स। ठीक है, बहुत प्यार से बनाना है, बहुत आराम से, एरर्स को थोड़ा ध्यान रखते हुए बनाना है। ठीक है, क्योंकि एरर्स आपकी होपफुली, मैं तो नहीं चाहता हूँ आए, पर आ सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ये आपकी टोटली मर्जी है, आप 300 बाय 600 करना चाहते हो या 500 बाय 500 करना चाहते हो, तो बड़ा ही बॉक्सा बनता है, इसको थोड़ा आप इलास्टिफाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 300 बाय 300 कर लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉर्डर, यहाँ हम कर देंगे इसको 5 पिक्सल्स, यहाँ लिखेंगे हम इसको सॉलिड, फिर लिखेंगे इसको ब्लैक। ठीक है, अब ये हमने एक मेजर बॉक्स बना लिया, जरा इसकी एक बार शक्ल देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये यहाँ पर हमारा एक मेजर बॉक्स बन चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी जो हमारी सब डिव्स हैं उनको भी ले आते हैं। यहाँ पर लिखूंगा डॉट ऑरेंज, यहाँ पर इसमें जाएंगे लिखेंगे हाइट। अब देखो, हमें 3 डब्बे लाने हैं, तो 300 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 100 पिक्सल। यार इतना तो बहुत बेसिक मैथ्स होगी। अब विड्थ में हम इसको 200 पिक्सल रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 600 है, विड्थ में रख दिया मैंने 200 पिक्सल। सेव कर लिया और टैब कर लेते हैं। देख रहे हो, अब आप लोग कहोगे कि ये क्यों नहीं आया अभी तक, है ना, ऑरेंज कलर क्यों नहीं आ रहे, यार बैकग्राउंड कलर तो दो ना, बैकग्राउंड कलर अभी हमने दिया ही नहीं, लिख देते हैं ऑरेंज। सेव करते हैं, मैं आपको दोबारा से फ्लैग दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो इतना आ गया है। क्यों, अब मेरी एक गलती सुनो, हमने बहुत बेसिक 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 मैथ्स कर ली ना, आप लोगों ने अभी तक फॉलो भी कर लिया होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है, मैं इसको विड 200 पिक्सल क्यों दे रहा हूँ, विड तो हमें 600 पिक्सल ही रखनी है ना, नहीं तो हमारा जो बॉक्स वो है वो बहुत छोटा दिखेगा। अब दिखाता हूँ, अब ऑरेंज पूरा कवर कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा मैंने वही बताया ना, थोड़ा सा सोच समझ के प्रोग्रामिंग करनी है, यहाँ से देख के वहाँ कॉपी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं इसके अंदर का ये सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हम लोग को बहुत जल्दी टाइम ना वेस्ट करना पड़े, रादर फुल कॉपी कर लेते हैं हम इसको। फिर इसके बाद मैं इसको जाके ये कर दूंगा, इसके बाद मैं इसमें लिख दूंगा वाइट, यहाँ पर इसको लिखते हैं वाइट, और यहाँ पर भी हम इसे लिखेंगे वाइट। अभी आपको एक और ट्रिक दिखाता हूँ इसमें, ठीक है, सेम वे पहले इसे ग्रीन के साथ भी कर लेते हैं। कर लो इसे सेव। अब देखो, ट्विस्ट देख रहे हो, मैंने अभी तक कोई पोजीशनिंग का, अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे यार पोजीशनिंग पोजीशनिंग पोजीशनिंग, पर अभी तक हमने कोई पोजीशनिंग का यूज़ किया नहीं, क्यों, आप देख सकते हो, ये देखो हमने, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको एच टी एम एल फाइल दिखाऊँ अपनी, एच टी एम एल फाइल में आप लोग देख सकते हो, हमने बॉक्स के अंदर सबसे पहले लिखा ऑरेंज, फिर लिखा वाइट, फिर लिखा ग्रीन, क्योंकि इसका एक हमने ऑर्डर दिया था,
तो इसीलिए वो ऑर्डर की फॉर्म में आ गया, है ना। तभी अशोका चक्र बिल्कुल एंड में आता है, यही एक रीजन है। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर इसकी अपनी वीएस कोड की इंटेलिजेंस भी काम करती है, बाकी वीएस कोड की नहीं, आप कहीं पर भी करोगे तो वो एक कहते हैं ना ऑब्वियस चीज को फॉलो करते हैं। तो अब हम लोग आगे करते हैं, अब हम लोग स्टाइलिंग करेंगे थोड़ी सी अशोका चक्र की। यहाँ पर लिखूंगा मैं IMG, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती कर सकते हैं, वो इसके आगे भी डॉट लगा देंगे, क्यों? अरे यार ये हमारी कोई क्लास थोड़ी है IMG, तो हमारी इमेज है, सीधा इमेज टैग लिखा है हमने, ठीक है। और जिन लोगों ने ये गलती नहीं करी ना, वो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है, कि हमने ये गलती नहीं करी। लिख भी सकते हो, ठीक है। 100 पिक्सल्स हाइट भी दे दी, अब विड्थ भी 100 दे दो, ठीक है। विड्थ दे दिया हमने यहाँ पे 100 पिक्सल्स। अब यहाँ पर पोजीशन का यूज सिर्फ अब आएगा, पहले सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस आए इमेज में। देखो इमेज हमारी हो गई है छोटी, अब हमें इसको उठा के यहाँ सेंटर में लेकर आना है। कैसे कैसे करेंगे हम ये? देखो यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा कि हाँ, तो इसको मैं दे दूंगा पोजीशन, इसकी होगी वो भी एब्सोल्यूट, ठीक है। मतलब मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स नहीं घुमाऊंगा या इसे उठा के इधर उधर डिस्प्लेस करूंगा, मैं विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन करूंगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी। मतलब कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे मतलब ये मैं बॉक्स के साथ नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये मेजर बॉक्स के हिसाब से मैं नहीं उठा रहा हूँ, मैं इसको फुल स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो रिलेटिव पोजिशनिंग का भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट का करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉटम बॉटम, और मुझे अपने पास्ट में याद है मैंने क्या लिखा था, मैंने I think 538 pixels लिखा था, और सेव करके देखता हूँ। हाँ मैंने 538 pixels लिखा था, और यहाँ से मैंने लेफ्ट में लिखा था 260 pixels, ठीक है, ये मुझे याद था। अगर आप लोगों का इसी क्रेडेंशियल्स के साथ, मतलब इसी डेटा के साथ अगर आपका सही आ रहा है तो भी ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा खुद चीज़ों को पोजीशन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेंटर में आ गया 260 pixels के हिसाब से, क्योंकि मैंने जो लास्ट डेटा था वो मैंने याद कर लिया था, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो में थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? तो गाइस वीडियो कैसी लगी, ये फ्लैग आप लोगों को बनाकर कैसा लगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ अच्छी लगे तो कमेंट कर दो नीचे कि हाँ दिस वीडियो वॉज गुड। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ मुझे ऐसा ही और कंटेंट लेकर आना है, ठीक है, जो कि आप लोगों के यूजफुल है। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड जरूर करता हूँ, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू एंड बाय बाय।